नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शमशेर से। आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं साई न्यूज 24/7 लाइव, सच की आवाज। आइए आपको रूबरू करवाते हैं कुछ अहम खास मुद्दों पर। से बड़ी खबर, बांदा पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। अवैध शस्त्र, कारतूस, शस्त्र बनाने की सामग्री बरामद। फैक्ट्री संचालक एक व्यक्ति को मौके से किया गिरफ्तार। फैक्ट्री संचालक अरमित लाल विश्वकर्मा को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपी को सुसंगत धाराओं में भेजा गया जेल। बिसंडा थाना के मरौली गाँव का है मामला। राजीव की रिपोर्ट। क्या खुलासा? ये थाना बिसंटा अंतर्गत एक मरौली ग्राम में शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है, जिसमें थाना प्रभारी बिसंडा उनकी टीम ने उसका अनावरण किया है। एक व्यक्ति को उसके घर से बनाते समय गिरफ्तार किया गया है। एक 315 बना हुआ तमंचा, 315 बोर का, एक 12 बोर का बना हुआ तमंचा, दो अर्धनिर्मित 315 बोर के तमंचे, भट्टी, धौंकनी, ग्राइंडर, कटर, आरी, ये सारे मटेरियल बनाने के उससे प्राप्त हुए हैं। अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है, उसको जेल भेजा जा रहा है। एक तमंचा ये 5 से 6 हज़ार में बेचता था, कहां कहां पर बेचा गया है इस बात का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। उसमें भी गिरफ्तारी आगे कराई जाएगी। क्या अभी और कोई भी है क्या? नहीं, अभी इसमें अकेले ही काम। असल बुंदेलखंड में जैसा कि देखा जा रहा था पिछले कई वर्षों के इलेक्शन के समय बैलेट पर बुलेट आ रही है, तो क्या इस व्यू पॉइंट से भी देख रहे हैं जिस तरह से निकाय चुनाव नजदीक है? नहीं, चुनाव की दृष्टिगत हमारी कार्रवाई चल रही है, जिसमें एक कार्रवाई ये भी है, लेकिन बैलेट पर बुलेट ऐसी जैसी कोई बात नहीं।